अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। भारत के लिए खौफ की अलामत बने हुए डीजी आईएसआई की मेज़बानी में मुख्तलिफ ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ की बैठक हुई। इंतहाई अहम नशस्त में पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान का अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम इंटेलिजेंस चीफ के खत्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक इकदाम उठाने का के डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान ने इलाकाई और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया। तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स ने खत्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक इकदाम उठाने के हवाले से भी गौर किया। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की इस्लामाबाद में बैठक हुई। बैठक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी अहम नशस्त में पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान व दीगर ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत दीगर ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ ने खत्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक इकदाम उठाने से मुतलक मशावरत की। खुफिया एजेंसियों के सरबराहान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक किया गया और इंतजाम भी तैयार किया गया। इसके बाद भारत के मीडिया में जैसे कोहराम, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।